साथ में खैर नगर पालिका क्षेत्र के कई गांवों के यहां पर ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम शिव सिंह है। कौन से गांव के निवासी हैं? पटवन नगर। इस बार आप किसको अपना चेयरमैन देख रहे हैं? चेयरमैन तो ऐसा यही नहीं देख रहे, और क्या देख रहे? क्या नाम है जिन्हें आप चेयरमैन बनाना चाहते हैं? अतुल गौड़। अतुल गौड़, चलिए, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन में है अभी। एक बाबूजी और मेरे साथ में, इस बार आप किसको अपना चेयरमैन देख रहे हैं? अतुल गोयल। अतुल गोयल को आप चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कारण है कि आप उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? अरे पसंद क्या कर रहे हैं, नया बालक है, काम करेगा, लगता है आपको काम करेंगे? हाँ लग तो आए जी, अब उम्मीद तो यही है कि लगे करे। आगे की समय बता दे कि क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुलजारी है। कहाँ के निवासी हैं? मैं जय सिंह नगला के निवासी हैं आप। हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसको आप अपना चेयरमैन चुन? देखो अतुल गोयल को देखना चाहते हैं हम चेयरमैन, क्योंकि नयो आदमी है, नयो काम करेगा, सही काम करेगा। ऐसे में निर्दलीय चेहरा है, तो आपको लगता है कि जीतने के बाद में विकास करेंगे आपके गांव? लगता तो है कि विकास करेंगे जी। हाँ जी, और भी कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? चलिए और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं जी। एक युवा चेहरा भी हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, इस बार आप किसको अपना चेयरमैन देखना चाह रहे हैं? चेयरमैन तो अतुल गोयल जी नहीं देखो चाह रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय है जी। और ये क्या कहें, मैं पहले तो किसी ने काम कराया नहीं था, ये बिंटू भैया भी खड़े हुए थे पिछली बार निर्दलीय, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया था, तो अब के इन्हें देखना चाहते हैं ये क्या। आपको उम्मीद है कि लगातार काम करेंगे? एक बुजुर्ग और हमारे साथ में जुड़े, बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राजपाल सिंह। क्या लग रहा है इस बार खैर में किसको चेयरमैन बना रहे हैं? चौधरी अतुल गोयल। क्या कारण है ऐसा? कारण ये है क्या, हमारा लगाव काफी दिन से पहले से हमारे गांव का इनसे जी, बहुत पुराना सन 71 से। अच्छा, परिवार बढ़िया सभ्य, बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में है, उनसे कुछ नहीं लेना, हमें सब भी चाहिए, बढ़िया बालक का चाहिए, बढ़िया परिवार है, और ये बच्चा विकास करेगा हमारे लिए, विकास करेंगे अतुल गोयल, ऐसा इन बुजुर्ग का कहना है। कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत है। कहाँ के निवासी हैं? पटपन नगला। क्या लग रहा है इस बार? हैं जी, क्या लग रहा है? अतुल गोयल है जाए बढ़िया, और हमारी पूरी वो करेंगे। क्या करेंगे पूरी? अपनी पूरी गाँव की स्थिति है अपनी खत्म कर देंगे, खन जाकर पानी तो बिजली से बढ़िया काम करेंगे। उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। विरोधियों का कहना है जीतने के बाद में तो ये देखेंगे भी नहीं हैं, खूब देखेंगे कौन पर नगला के। क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं चुनाव में इस बार किसको आप विजयी बना रहे हैं? विजय मैंने कहा अतुल गोयल को बना रहे हैं। अतुल गोयल को, क्या कारण है ऐसा? ये कारण है बहुत सुविधा भी बढ़िया भी कहते हैं, इंसान बढ़िया भी हैं, हर एक बात से तो कहते बहुत सारे बढ़िया ही हैं, हमें गोली जी जीती जाए तो हमारे का विकास करवा दें, और कहते और नाली खंजा बिजली का भी इंतजाम करवा दें। चुनाव आता है, मैदान में नेता आते हैं, हजारों वायदे करते हैं, और ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बाद में फिर नजर ही नहीं आते, कहीं ऐसा तो नहीं कि अतुल गोयल भी नजर ना है? तो ये बारी बात है, बारी बात है, हमारे खूब मैदान में खूब आएंगे और खूब डोलेंगे, पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे पटपन नगला हो, जयसिंह नगला हो, खैर है वो तो लगभग यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, लगातार चौधरी अतुल गोयल पर अपना जो है भरोसा जमा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर वो चुनाव जीते तो कहीं ना कहीं उनके गांव की भी जो एक चेहरा है वो बदलेगा। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई नगर पालिका के साथ।